हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित कुमार एंड मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल की है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी को साझा करना चाहता हूं। हालांकि उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि और आप लोगों के कुछ भ्रम हैं उन लोग दूर करना चाहूँगा कि इन पारिवारिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन ये आपकी सफलता को कुछ समय के लिए लंबित जरूर कर सकती हैं, लेकिन आपकी सफलता को वो टाल नहीं सकती हैं, आपकी सफलता को रोक नहीं सकती हैं। तो दोस्तों, मैं हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के मैराणा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी के गाँव में एक परचून की शॉप है। मेरे लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें कोई किसी ने भी अभी तक सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की थी, और मैं एक सिविल सर्विसेज की तैयारी जब से स्टार्ट की है तो काफ़ी पड़ाव मैंने पार किए हैं, कई असफलताएं देखी हैं और उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मेरे लिए भी काफ़ी फ़ख्र की बात है और परिवार के लिए गर्व की बात है। मैं आप लोगों को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो वो भी बेहद सामान्य रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि ही मेरी 12th हुई है और रोहतक के जाट कॉलेज से मैंने BSc की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने जो UPSC की तैयारी की है उससे पहले मैं कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, CDS का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट कमांडेंट का हो या फिर राज्यसभा का एग्ज़ाम हो। मैंने यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस SI और ये एग्ज़ाम भी दिए हैं। हालांकि कई में अंतिम लिस्ट में मैं जगह नहीं बना पाया हूँ, लेकिन एक इतनी असफलताओं के बावजूद भी मैं अपने जो सफ़र है उसमें डटा रहा हूँ। कुछ में मेरे को सफलताएं मिली हैं, तो एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन मैंने अपना जो पेशेंस है, प्रिजर्वेंस है, वो बनाए रखा है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसा कि आपने अभी तक जो मैंने बताया है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी सामान्य रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इन सब के बावजूद कुछ इतना बड़ा अचीव कर पाया हूँ तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज जो प्री का पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक CSET का और एक GS का पेपर होता है। GS के पेपर के लिए जो हमारी तैयारी है वो थोड़ी फैक्चुअल होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें काफ़ी पोर्शन है वो हरियाणा से रिलेटेड होता है, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की हिस्ट्री, और एक बड़ा पोर्शन है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। हमें ओवरऑल तैयारी तो करनी होती है, लेकिन ये दो मेन पोर्शन है जिन पे हमें अपना फोकस GS की तैयारी करते वक्त अपना करना होगा। और CSET की तैयारी के लिए हम कई मार्केट में बुक्स हैं, जैसे आर्यन पब्लिकेशन है या फिर किसी कोचिंग के नोट्स हैं, उनके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको अपनी प्री की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्री की परीक्षा को है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हरियाणा का जो GS का पेपर होता है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि GS के पेपर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। GS के पेपर में जैसा कि मैंने बताया, दो पोर्शन है, हरियाणा का पोर्शन है और बायोलॉजी का पोर्शन है। सबसे पहले उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि हरियाणा से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, आप कई पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, आर्यंत की भी आप यूज़ कर सकते हैं और कई अदर बुक्स भी अगर आपको मार्केट में मिले तो उन्हें भी यूज़ करिए। इंटरनेट से आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। हरियाणा से रिलेटेड तो आज आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, आप उसमें टाइप कीजिए कि हरियाणा GK स्पेशल, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल हैं जिनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इन बुक्स का सहारा लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। बायोलॉजी के लिए आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं और साथ में ल्यूसेंट की बुक है, उसमें काफ़ी एक अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। बाकी आप UPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो मार्केट में जाइए, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कई प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, आप उनकी मदद ले सकते हैं। बाकी हरियाणा का जो कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए आप हरियाणा गजट का भी सहारा ले सकते हैं, या और एक अपनी एक हैबिट में लेके आइए कि एक न्यूज़पेपर है वो आप कंटिन्यू डेली आपकी हैबिट में होना चाहिए, आप रेगुलर पढ़ें उसको। खासकर जो हरियाणा का पोर्शन है, हरियाणा की इकोनॉमी से रिलेटेड, हरियाणा के पॉलिटिकल व्यूज से रिलेटेड, तो
तो आपको उसका खासा बेनिफिट होगा। और सीसेट की तैयारी के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड कंप्रिहेंशन है या फिर ग्रामर वाला पोर्शन है, आपको कंटिन्यूस उनके प्रैक्टिस से सेट लेके आइए। मार्केट से लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो यूपीएससी के हैं या फिर वेरियस स्टेट्स के पेपर हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो सीसेट के पेपर में तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को दिक्कत आएगी। बाकी जीएस के लिए जो मैंने बुक्स बताई हैं, आप उनको पढ़िए और कंटिन्यूस उनको रिवीजन करेंगे तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे प्री की, और आगे हम मेंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में हमारी मुख्य तैयारी होती है वो मेंस की होती है, और मेंस की तैयारी के दौरान ही हम अपनी प्री की तैयारी करते हैं। तो कुछ बुक्स होती हैं जो मेंस के स्पेसिफिक भी बहुत काम आती हैं और प्री में भी यूज़ होती हैं। जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, या फिर डीडी बसु की बुक भी कई रेफ़र करते हैं, लेकिन आप लक्ष्मीकांत भी यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आप उसको प्री के लिए भी यूज़ करें, मेंस के लिए भी यूज़ करें। बाकी मेंस के लिए अगर हम ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करें, तो इसमें हरियाणा पीसीएस में जैसे आपकी बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें दो ऑप्शनल पेपर होते हैं, और एक जीएस का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ये जीएस का पेपर होता है वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, जो भी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में ही आएगा, उसमें एक ऑप्शनल होगा। तो उसी तरह से आपको अपनी तैयारी है वो करनी है। अब मैं आप लोगों को अपनी मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि हम ऑप्शनल कैसे तैयार करें और जीएस कैसे तैयार करें। मेंस का जो जीएस का पेपर होता है उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है। तो आप इन सभी की अलग अलग से आपको तैयारी करनी होगी। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आप मार्केट में जाइए और रामेश्वर सर के नोट्स होंगे वो लेके आइए, उनको थ्योरल स्टडी कीजिए। रमेश सिंह की बुक होगी उसको पढ़िए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि जब आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स का तो रिवीजन करें ही, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस उनको देख देख के इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए कि किस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं और कैसे बन सकते हैं। आप करंट के टच में रहेंगे तो आप लोगों को अपने नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। शॉर्ट नोट्स हैं वो रिवीजन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, आर्ट एंड कल्चर में हो, साइंस वाला पोर्शन हो। तो आप शॉर्ट नोट्स तो मैं कहूँगा कि हर सब्जेक्ट का आपको बनाना ही होगा। शॉर्ट नोट्स का एक तरीका होता है कि आप अलग अलग जैसे पोर्शन में बांट सकते हैं, हिस्ट्री नोटबुक होती हैं अलग अलग पोर्शन में रखिए, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग। हिस्ट्री का है आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक रेफ़र कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की बुक है या फिर खुल्लर सर की बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए जैसा मैंने बताया, रामेश्वर सर के नोट्स और रमेश सिंह की बुक है वो रेफ़र कीजिए। बाकी जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें नितिन सिंघानिया की बुक है वो आप यूज़ कीजिए, या फिर कोई और पब्लिकेशन है, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटीज़ की बुक है, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात यही सजेस्ट करूँगा कि सोशल साइट्स हैं या फिर जैसे टेलीग्राम है या फिर जो चैनल हैं, कई वेब पेज हैं, इनसाइट आईएएस है, आईएएस बाबा है, ओनली आईएएस है, आप इनका जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप इनसाइट आईएएस के पेज पे जाओगे तो योजना है, कुरुक्षेत्र, उसके मैगजीन के आपको जिस्ट मिलेंगे, आपको रेगुलर क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। करंट की भी आपकी तैयारी उनसे अच्छी होगी, आपको ये पता चलेगा कि हाँ भी करंट के क्वेश्चन हम कैसे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। साथ ही उसके साथ साथ आपको मिलेगा उनकी जो मंथली मैगजीन आती है, चाहे वो आईएएस बाबा की हो, फोरम आईएएस हो, इन सभी का भी आप क्रक्स तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स मेकिंग पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत एक वेस्ट सिलेबस हमको कवर करना होता है,
और जब आप इस चीज़ की अहमियत तब समझेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपके लिए रिवीजन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीन्स में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वो लिखना है और लिखने से पहले आपको याद होना ज़रूरी है, और आपको याद तभी होगा जब आपको वो शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल है। इसलिए नोट्स मेकिंग कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अगर डेली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। मैंने अपनी कई खामियां हैं लेखन शैली में थी उनको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से दूर किया है। मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है वो कंटिन्यूसली फॉलो की है 2-3 साल, क्योंकि जो तैयारी है राइट लेखन शैली है हमारी उसकी तैयारी है, उसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए होगी, आपको कंटिन्यूस में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, उसमें कई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। आज आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस टेस्ट सीरीज़ में जो कमियां हैं आपने क्या क्या कमियां छोड़ी, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे भूमिका आप पहले लिखेंगे, फिर बीच में उसका बॉडी लिखेंगे, फिर एंड में कंक्लूजन लिखेंगे। तो जैसे मैं विजन में टेस्ट सीरीज़ देता था तो काफ़ी वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे भूमिका को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। और भी चाहें तो आप किसी की अन्य कोचिंग भी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के बाद बात करेंगे हम कि जो हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी मीडियम वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दृष्टि पब्लिकेशंस का, दृष्टि आईएएस का जो चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि भी आज के टाइम में काफ़ी जो उनका जो चैनल है उसकी क्वालिटी डे बाय डे है वो इम्प्रूव होती जा रही है। उनका जो मटेरियल है वो अलग अलग आयाम से अलग अलग चीज़ें योजना का, कुरुक्षेत्र का, जिस्ट वो भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने जब तैयारी की थी तो उस टाइम पे इनसाइट और ये आईएएस बाबा फॉर्म आईएएस ये मंच बहुत ज़्यादा मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहे हैं, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा था क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज़ में एक हमें इंग्लिश का पेपर भी देना होता है, उसमें हमें तो इन साइट्स के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही है। आप अपनी जो इंग्लिश वाला पेपर है उसको और बेहतर तरीके से, आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी, कंप्रिहेंशन स्किल बढ़ेगी, तो आपका लिए ये जो साइट्स हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और आप दृष्टि भी फॉलो करिए और आप ये जो साइट्स हैं इनको भी फॉलो करिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की। मेरे 2 ऑप्शनल थे, एक ज्योग्राफी और दूसरा मेरा हिंदी लिटरेचर था। यूपीएससी में मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ, उस अटेम्प्ट में मेरे ज्योग्राफी में 247 नंबर थे, तो उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया और हिंदी साहित्य को मैं प्रेफर किया, क्योंकि हिंदी साहित्य में हमारे पास आज के टाइम में देखें एक लंबे टाइम से ही गाइडेंस काफ़ी अच्छी उपलब्ध है। विकास देवी कीर्ति सर हैं, आई डोंट थिंक कि उनके नोट्स जो हैं उनसे बाहर आपको कुछ मिलेगा, उनके नोट्स सफिशिएंट हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं। अगर आप क्लासेस करना चाहो तो भी आपके लिए वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप अगर हिंदी ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको, हाँ वही है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो अपने आप करनी होगी, बाकी सर गाइड कर सकते हैं, आपको मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पे आती है। तो आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी आप अपने ऑप्शनल की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, मटेरियल आपको मिल रहा है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा ऑप्शनल जो मेरा ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी में आप कई बुक्स हैं जैसे माजिद हुसैन की बुक हैं या फिर खुल्लर की बुक हैं, और भी कई बुक्स हैं, आप डीएस लाल हैं, आप इन बुक्स को लेके आके और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं ऑप्शनल की तैयारी होती है या फिर जो जीएस की तैयारी होती है वो कोशिश करता हूँ कि जो मेरी एक स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो एक बड़ा काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेंथी सिलेबस है, तो जैसे मैंने सुबह कुछ पढ़ा है पूरे दिन में मेरा जो कुछ भी मैं याद करता हूँ उसको एक बार रात में सोने से पहले समराइज करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मन ही मन बेड पे लेटे लेटे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इससे
आप देखोगे कि ये मेरे लिए इतना बेनिफिशियल साबित हुआ। आप इसको कंटिन्यूसली अगर एक महीना दो महीना करते हैं तो आपकी जो मेमोराइज करने की पावर है, आप देखोगे कि उसमें एक बहुत ही शानदार आप सुधार देखेंगे। और आप देखेंगे कि जो आप चीज़ें रात में, मान लो आपको कुछ याद नहीं भी आ रहा है, आप एक बार फिर से सुबह रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। आप दिन में एक बार फिर रिवीजन करेंगे, आप फिर कंटिन्यूस उसको आगे तैयार कर रहे हैं तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपके बर्डन भी नहीं होगा कि आपका पीछे आप भूलते जा रहे हैं। तो डेली आप अपने ऑप्शनल को ऐसे तैयार कीजिए, जीएस को ऐसे तैयार कीजिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी का मेंस है उसको क्वालिफाई करने के लिए दो ही चीज़ें, एक तो राइटिंग स्किल और एक आपकी मेमोराइज करने की पावर। तो इन दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिए, और चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हिंदी मीडियम मेरे लिए भी कोई बाधा ज़्यादा साबित नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हिंदी माध्यम का जो भ्रम है वो आप अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, डेडिकेशन रखिए और टेस्ट सीरीज़ और इनके माध्यम से कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। अपने आप को सेटिस्फाई मत कीजिए, और कुछ और चीज़ें हैं जो आप चाहें अनचाहें आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती हैं, मैं आप लोगों को उनसे भी अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक लंबी जर्नी रही है, 5 साल मैंने तैयारी की है, मैं इन गलतियों से सीखा है मैंने, और चाहता हूँ कि आप लोग भी ये गलतियाँ ना करें। एक दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपना कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन इन द सेंस कि आप हिंदी मीडियम के हैं, वो इंग्लिश मीडियम का है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा है, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है। आप कभी भी क्लास करोगे तो हम कंपैरिजन करते हैं अपना किसी बच्चे के साथ, कोई क्लास में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो कुछ अभी क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, ये कि बच्चा है ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस पूछ रहा है, शायद इसी के इन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरा तो होगा नहीं। तो आप उस कंपैरिजन से बचिए, अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और कंपैरिजन से बचिए, सेटिस्फैक्शन से बचिए। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप, हम लोग अक्सर अपने के कम्फर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, उस कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपनी जैसे मेरा कंफर्ट जोन था कि मैं लिखने में कोशिश करता था कि नहीं मैं लिख नहीं पाऊँगा तो घर पे ही लिख लिया क्वेश्चंस, नहीं मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दूँगा, वो हमारा एक धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, टीचर्स से इंटरेक्ट कीजिए। कई लोग होते हैं थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं मेरे जैसे, वो टीचर्स के पास बहुत कम जाते हैं कि नहीं टीचर से क्या गाइड करें, गाइडेंस लेंगे, मैं खुद ही रिवाइज कर लूँगा, पढ़ लूँगा। अपने आप को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाइए, दोस्तों के साथ घुलिए मिलिए और टीचर से गाइडेंस लीजिए, और अपनी जो कमियां हैं उनको कंटिन्यूसली दूर कीजिए। दोस्तों ये तो थी हमारी प्री और मेंस की स्ट्रेटजी, जो इंटरव्यू की है तैयारी, जो सबसे अंतिम चरण है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पूर्वाग्रह हैं जो स्टेट पीसीएस के होते हैं उनको दूर करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पहुँच से या फिर आप पैसे की बदौलत आप इंटरव्यू में या किसी भी लेवल पे आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर लेंगे या फिर किसी का भी हो रहा है, तो इस भ्रम में ना रहें। हरियाणा सिविल सर्विसेज HPSC है, उसकी जो इंटरव्यू का लेवल है और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो इतना फेयर है कि अगर मैं कर पा रहा हूँ एक इतनी सामान्य पृष्ठभूमि से, तो कोई भी कर सकता है। तो उन पूर्वाग्रहों से बचें और अपने तैयारी पे फोकस करें। अब हम दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उस पर चर्चा करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको हरियाणा जो स्टेट PCS होते हैं उनमें, जैसे आपने PT में तैयारी की है स्टेट स्पेसिफिक, तो आपको यहाँ पे भी करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन बीच में पूछे जाएंगे और आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो इंटरव्यू की तैयारी होती है वो एक प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं नहीं भी आते होंगे आपको, लेकिन आपको ये शो करना है कि आप बिल्कुल कूल एंड काम हैं। आपको कई बार, मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं, UPSC का 2 बार इंटरव्यू दिया है और भी इंटरव्यू दिए हैं, तो
इतना तो मेरे को भी पता चला है कि हम कई बार नर्वस हो जाते हैं जब हम 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि नहीं हमारा इंटरव्यू ख़राब हो रहा है। तो अब की बार मेरे लिए यही फ़ायदेमंद रहा कि कंटिन्यूसली 4-5 क्वेश्चंस के मैं फैक्चुअल क्वेश्चन उनके जवाब नहीं दे पाया, तो लेकिन फिर भी मैं कूल था, काम था कि नहीं आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो अच्छे होंगे, और ऐसा ही हुआ। जो आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछे जो पर्सनालिटी से आपकी मेरी रिलेटेड थे, वो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे गए। बाकी तैयारी आप कीजिए स्टेट स्पेसिफिक, और अपनी पर्सनालिटी को है वो आप कुछ दिन में तो इम्प्रूव कर नहीं सकते, कंटिन्यूसली आप उसमें रहें, आपकी लैंग्वेज को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, आपकी वोकेबलरी को अच्छा बनाएं, आप चीज़ों को एक अलग आयाम से देखें। इंटरव्यू में कोशिश की जाती है आपसे कि आप चीज़ों का बहुत ही सटीक शब्दों में आप जवाब दें, 1-liner, 2-liner या फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, तो आपको अपने आप को उस अनुरूप तैयार कर सकते हैं। बाकी आप कुछ मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, आपको अपनी कुछ कमियां हैं उनका भी पता चलेगा। आप ग्रुप डिस्कशन करिए और अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू कमरे पे कर सकते हैं, तो इन सब के ज़रिए आप अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 चरणों की तैयारी। अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पूर्वाग्रह से बचें, कंपैरिजन से बचें। हाँ ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि यू आर द राइट पर्सन टू गेट द फर्स्ट प्लेस इन एनी फील्ड, और आप अपने हार्डवर्क को, प्रिजरेंस को बनाए रखें। जीवन में बहुत सारी असफलताएं आती हैं, लेकिन उन असफलताओं से रुकना नहीं है। मैं भी बहुत असफलताएं देख चुका हूँ, 5 साल मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ठोकरें हैं, कोई जहर तो नहीं है जो इन्हें खाकर हम मर जाएंगे। तो ठीक है, असफलताएं भी आप अपने जीवन में देखेंगे, उन असफलताओं का भी एक अलग मज़ा, उसके बाद जब आपको सफलता मिलती है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन असफलताओं से घबराएं नहीं, अपने हार्डवर्क बनाए रखें, अपना पेशेंस बनाए रखें और कंटिन्यूसली अपनी तैयारी को बनाए रखें। अपने जो है साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ आप अपना जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, मूवीज़ देखिए, गेम्स के लिए, क्योंकि इतना आपको पढ़ना होगा, आपकी ये तैयारी आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लग सकता है कि आप बोर हो रहे हैं, तो अपने आप को कभी बोर नहीं होने देना है, अपने आप को कभी डल नहीं होने देना है। आप अपनी तैयारी कीजिए, साथ में साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करते रहिए, और अंत में मैं आप लोगों के एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।